छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला, सड़क बनाने वाली मशीनों को आग के हवाले किया। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में नीरव मोदी को फरार दिखाया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपियों के साथ चार और लोगों को आरोपी बनाया। 4,200 पन्नों के चार्जशीट में 25 लोगों के नाम दर्ज किए गए। पीएनबी घोटाला मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार, 3 लोग फरार, चार्जशीट में 3 कंपनियों के नाम भी दर्ज। राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार के साथ ब्रह्म घाट और ब्रह्म मंदिर में विशेष पूजा की। एमपी में 10वीं 12वीं और के बोर्ड नतीजों का ऐलान। 10वीं में 66.54% छात्र तो 12वीं में 68.07% छात्र पास हुए। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी का सबसे बड़ा पंचायत चलो अभियान। सीएम शिवराज समेत कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। देहरादून में 8 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। पौश इलाके में कूड़े का ढेर लगा। दिल्ली के शाहदरा इलाके में लूट का विरोध करने पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश। दिल्ली में राजघाट के पास महिला की हत्या, गैंगरेप के बाद हत्या का शक। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार ट्रक ने शोरूम के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार को टक्कर मारी। बेकाबू होकर पलटा ट्रक। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्कर का पर्दाफाश किया। मेरठ और एमपी से 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। 20 पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद।